जुआड़ियों द्वारा जुआ हारने के बाद घरों में दिन के उजाले में घुसकर की जाती है चोरी। कानपुर के नवागंतुक थाना क्षेत्र जाजमऊ की चौकी शिव गोदावरी इलाके के पोखरपुरवा स्थित सामुदायिक शौचालय के समीप पार्क में बीते दिनों जुआड़ियों द्वारा जुआ खेलते वीडियो वायरल हुआ था। इस जुआ फड़ का संचालन अपराधी किस्म के लोगों के द्वारा करवाया जा रहा है। इस जुआ फड़ के संचालन से कई युवा बर्बादी की राह पकड़े हुए हैं। जुआ फड़ के संचालक के गुर्गे का नया कारनामा प्रकाश में आया है। जुआ फड़ के संचालन में सहयोग करने वाले करण उर्फ नन्हू और पवन या ऐसी राह पकड़े हुए हैं जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। जुआ खेलना एक हद है, परंतु जुए में हार रुपए हार जाने के बाद किसी घर में घुसकर चोरी करना क्या सही है? जी हाँ, बात कर रहे हैं करण उर्फ नन्हू और पवन की, जिन्होंने वर्ष 2021 में जुआ में रुपए हारने के बाद अपने अन्य सहयोगियों के साथ पोखरपुरवा में एक घर में महिला को अकेला पाकर उसके घर में घुस गए। महिला के साथ मारपीट करते हुए घर में सोने के आभूषण व रखी नकदी चोरी की और फरार हो गए। महिला ने करण उर्फ नन्हू, पवन व अन्य के विरुद्ध थाना चकेरी में IPC की धारा 380 व अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया था। मुकदमे के विवेचक थे उप निरीक्षक राज बहादुर सिंह। इनकी विवेचना में अभियुक्त पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई और यह शातिर किस्म के जुआड़ियों द्वारा बदस्तूर जुआफड़ का संचालन किया जाता रहा, परंतु पुलिस द्वारा न आरोपियों पर कार्यवाही हुई न ही इनके द्वारा सजवाई जा रही जुआफड़ से। इस जुआफड़ के संचालक के एक सहयोगी करण उर्फ नन्हू की अवैध असलहे के साथ फोटो भी वायरल हुई थी। इस मामले में पुलिस ने कार्यवाही भी की थी। जुआ फड़ के संचालकों के एक से बढ़कर एक कारनामे हैं, परंतु क्षेत्रीय पुलिस जुआ फड़ के संचालित होने पर जानकर भी अनजान बनी हुई है। RTI न्यूज 24 कानपुर। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।